यहाँ पे होटल में रुके हैं जहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा क्राउड है तो कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा। जैसे कि आप सुन रहे हो कितना शोर है यहाँ पे, कितना ज्यादा शोर है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। ये बैठा विशाल, ये बैठा विजय, ये देखो और बाहर देखो यार गाइस, कैसे चल रहे हो। यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए, खाना खा लेते, भूख लग रही है। टाइमिंग 1:30 बज चुका है यार, ये देख लो गाइस कैसे जा रही है बाहर, देखना बाहर कैसे जा रहे हैं लोग। अपना खाना आ चुका है, मिक्स वेज दाल रोटी, अभी दो पराठे और आ रहे हैं। अरे दोनों चेपने में लगे पड़े हैं। ये रहा तुम्हारा भाई, थक चुका है, अब रेस्ट करूंगा आधी घंटा एक घंटा। जाते पहले पहले चलते हैं अभी से, जाम मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये आ गया सेकंड टोल, सेकंड टोल है, सेकंड टोल।
तो यार गाइस अभी यहाँ पे रुके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, यहाँ पे लेटे हुए स्कूटी बाइक वगैरह वहाँ खड़ी हुई है। ये रहा विशाल, ये रहा विजय और ये रहा तुम्हारा भाई, यहाँ नीचे लेटे हुए देख लो धरती के पे। धरती हमारी माता है, माता हमारी माँ है, हम धरती पे सोते हैं तो धरती पे सो रहे हैं आज। और चाचा वगैरह उधर बैठे हुए हैं उधर आगे, ठीक है अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं जब तक थोड़ा ब्लॉग एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वाला, तो ये दो पार्ट में आएगा ब्लॉग, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अभी वापस जब उठ ही जाएंगे। रात में कुछ ऐसा हुआ था कि वीडियो मैंने एडिटिंग पे डाली थी, जो प्रोसेसिंग हो रही थी कम से कम 2 से 2.5 घंटे ले लिए थे, फिर सुबह 5:30 बजे हम उठ के निकल गए थे और फिर निकलने के बाद अब जाके दोबारा ब्लॉगिंग करी है। तो अभी हरिद्वार पहुँचने में भी 2 घंटे और लगेंगे, मतलब 100 किलोमीटर और रह गए, आराम आराम से चल रहे हैं अपने और सारे भी यहीं पर रुके हुए, तो सबका वेट करें कि तो बाइक की पीछे रह चुकी है, ठीक है। तो वैसे तो आप सब मस्ती कर ही रहे हो, मज़ा तो आ रहा है आपको ब्लॉग देखने में। तो ये ब्लॉग ना 2 पार्ट में होंगे यार गाइस, तो जितने कुछ लोग ना सब पूरा देखना, ठीक है। और ये देखो यार यहाँ की लोकेशन, क्या बढ़िया व्यू आ रहा है उस समय, देखना गाइस क्या ऑसम व्यू आ रहा है ना। ये खड़ी अपनी सारी बाइक है, स्कूटी खड़ी आ गई अपन की, फुल यार मस्ती हो रही यार गाइस, माँ कसम भाई मजा आ गया इस बार आके। और यार क्लियरिटी तो देख ही रहे हो वैसे, कैसी बढ़िया क्लियरिटी आ रही है, एक नंबर की क्लियरिटी आ रही है। तो यहाँ पे ना हम वेट कर रहे हैं क्योंकि एक दो बाइक के पीछे रह गई है, एक दो बाइक पीछे रह गई, तो उनका वेट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाइक आने के बाद फिर चलते हैं हम भी आगे, क्योंकि हमारे दुआ सोच रहे हैं हमें भी जल्द से तो नीलकंठ पे जाना है, फिर रात में रेस्ट भी करेंगे और रात में कोई ब्लॉग वगैरह एडिट करेंगे अपने, क्योंकि अभी ब्लॉग एडिट कराएंगे थोड़ी देर पहले एडिट करूँगा। और ये आगे दो, ये भाई साहब बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत आगे चल रहे हैं ये दोनों, तो बहुत तेज चल रहे हैं ये दोनों। अरे भाई साहब कहाँ थे तुम, इन लोगों को पता ही नहीं साथ में चले थे, वहां से कहीं दिखे ही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, काउडियो का, तो भी सेफली चलाया करो यार, एक्सीडेंट होते ही तुरंत जाम देख लो यार गाइस, जल्दी जाम लग गया, एक सेकंड में जाम है यार, ये एक सेकंड में जाम लग गया है पूरा।
यहाँ पे अपन नहाए थे थोड़ा नाना घर मतलब नहाने घर था। और ये देखो पब्लिक मट्टी यार के रेस्टोरेंट पे चाय पीने के लिए चाय हुई पीते नाश्ता वास्ता करते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। वो देखो गाइस कावड़ ने डीजे इतना बढ़िया देखो कितना बड़ा डीजे लगा रखा है। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं होटल काफी बढ़िया था। मैंने खाए चार पराठे आलू के चार पराठे और एक चाय का बढ़िया मस्त हो गया। मतलब काफी देर रेस्ट भी करा मतलब एक डेढ़ घंटा रुके हैं यहाँ पे काफी देर रेस्ट करने के बाद अब चल रहे हैं ठीक है। और स्कूटी वो खड़ी है सारे तैयार हो चुके हैं और हम निकलते हैं। डेढ़ दो घंटा हो गया 50 किलोमीटर रह गया यहाँ से हरिद्वार क्योंकि अब गर्मी भी पड़ने लग चुकी है। ये खड़ी स्कूटी अपनी तो बस चल रहे अभी यहाँ से तो पैदल कावड़ यात्रा भी जा रहे हैं। तो गाइस फुल टैंक में मेरी स्कूटी चली है मतलब 227 अब 227 में मतलब फिर 227 के बाद यहाँ से फुल करवाया टैंक 227 का टैंक फुल करवाया कुछ नहीं। तो यार गाइस एक चीज हो रही है यहाँ पे पेट्रोल हो क्या रुपए लीटर है 94 रुपए है यहाँ पे दिल्ली में 96 है। तो गाइस हरिद्वार रह गया 30 किलोमीटर और ये हरिद्वार के अंदर के रास्ते है ये जो देख रहे हैं कैसे गजब जब मैं स्कूटी चला रहा हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा ठीक है। तो इसलिए बस खाली भैया आप इंजॉय करो अभी मैं हवा हरिद्वार रखा यहाँ पे तो थोड़ा आप इंजॉय करो डीजे वगैरह देख के कैसा लग रहा है आपको डीजे वगैरह मस्त लग रहा है ना सब। तो गाइस हरिद्वार मेरा कुछ पता नहीं क्या चल रहा है कभी अंदर से कहाँ घुसा रहे हैं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ भेज रहे हैं बंदे आधे इधर घुसा रहे आधे चल अंदर आगे चल तो बस चल रहे हैं आगे हम भी। तो गाइस काफी तगड़ा जाम लगा पड़ा 5 किलोमीटर से आ रहे हम जाम में चलते 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 5 किलोमीटर तो हो चुका है और आगे पता नहीं कितना जाम है और आगे कुछ पता नहीं कितना जाम है कितना नहीं देखो यार डीजे लगे पड़े और अपनी की हालत तो कैसी होती है। कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल अब ना गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और फिर बार बार कुछ रोक के ना चलना पड़ रहा है गाड़ी वगैरह रेस्ट लेना पड़ रहा है अपना खुद को भी रेस्ट लेना पड़ रहा है फिर गर्मी बहुत ज्यादा और गले ना बहुत ही ज्यादा वो हो गया क्या बोलते हैं खराब बैठ गया गला उतर हाँ गला बैठ चुका है वो इसलिए भी पानी वैसे पानी कच्चा है कभी कैसा है और उसमें पानी मिल नहीं रहा कहीं से काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया तो हालत देख रहे हो अभी गर्मी की वजह से हो रही है हालत और अभी आज ही एक घंटा बैठे हुए यहाँ पे ठीक है। तो देखते कितने में चलते हैं अभी हरिद्वार रह गया हमसे अभी 30 किलोमीटर रह गया परसों का जल आराम से करेंगे सब कुछ आराम से जाएंगे आराम से सब कुछ करेंगे ठीक है। जब तक आप लोग चेंज हो लोग खा लीजिए शेयर सब्सक्राइब कमेंट रोक के कर देना ठीक है। तो मिलते हैं अभी आपको
साइड अपने हरिद्वार आ चुके हैं, तो दूसरी साइड आए बैक साइड जो गंगा जल के लिए, हम यहाँ से गंगा जल यहाँ से लेंगे, फिर जाएंगे नीलकंठ, नीलकंठ में जाके वहाँ जल चढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जल चढ़ाना होता है। देख लो ये गंगा, गंगा माँ मेरी, गंगा माँ मेरे भोले बाबा दया बनाए रखे मेरे पे, बस वे वो सक्सेस करते मेरे भोले बाबा। गंगा जी की है तो बस मैं क्या कहता हूँ इस लोग को ना, मैं जो थोड़े थोड़ी देर के बाद करेंगे अभी नहीं, मतलब गंगा में गंगा जल लेंगे ना, फिर जब उसके बाद एंड करेंगे। चल रहे नीचे अपने हरिद्वार की गंगा, मतलब आगे यही जाके मिलती है वैसे तो, और हम पीछे ही नहा रहे हैं क्योंकि हम यहीं से भी नीलकंठ लिख लेंगे, इसलिए क्योंकि यहीं से ही नीलकंठ के लिए जल भर लेंगे यहीं से हम, इसलिए तो ये गंगा और कपड़े वपड़े निकालते फिर नहाते हैं इसमें भी। दोबारा मार, दोबारा मारे, एक बार वंस मोर, वंस मोर, सात सात बारी मार, सात बारी को मैं ना यहीं पे एंड करता हूँ, यहीं पे हो चुका अपना, अपने यहाँ से जा रहे हम नीलकंठ, तो उसके लिए न्यू ब्लॉग के लिए स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, जो भी आपको इस ब्लॉग में पसंद आया हो तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करना, और क्या पसंद आया क्या नहीं आया कमेंट जरूर करके बताना मेरे को। ठीक है, और सब्सक्राइब करे बिना जरूर मत जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।